मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट आप सबके सामने लाया हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स मैं इस चैनल पे दिखाता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक कोर्ट के समन की। हाँ जी, इसके साथ जो है बहुत हिस्ट्री इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ ब्रिटिश पीरियड के बारे में बताता है। तो आज हम देखेंगे ये समन, और इस समन में आप देखो सबसे बढ़िया चीज़ है कि इस पे लाख की सील अब तक है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। मैं इसे थोड़ा सा जूम करूँगा रोशनी में, आप देखिए लाख की कितनी ब्यूटीफुल सील इस पे लगी हुई है, और कई सौ सालों के बाद भी जो है वो इंटैक्ट है इस पेपर पे। तो अगर हम डेट की बात करें तो ये पेपर की डेट है, देखिए द 27th डे ऑफ अक्टूबर को किसी को बुलाया गया है। वो स्टोरी अभी हम बताते हैं, मैं आपको डेट दिखाता हूँ एक्चुअल में ये कब का पेपर है। ये रहा जी, इसमें ये लिखा है कि ऑन 23rd डे ऑफ अक्टूबर इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड 1813। तो 1813 का ये पेपर है, लाख की सील बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम पेपर क्या है हम ये बताएंगे। तो ये एक समन है नेक्स्ट ऑफ किन की साइटेशन का। नेक्स्ट ऑफ किन मतलब कि जब किसी की मृत्यु हो गई थी तो उसकी ज़मीन जायदाद जो उसका नेक्स्ट ऑफ किन है, या उसका उसकी बीवी है या उसके बच्चे हैं, उनको दी जाती थी ब्रिटिश इंडिया में। तो ये 1813 मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कागज़ है। अब इसमें जो है ये समन किसी के लिए था, और ये था इनके लिए टेलर प्रोटेक्टर ऑफ एलेनॉर डिक्सन द लॉफुल विडो ऑफ द डिसीज्ड। तो इस आदमी की मृत्यु हुई, उसके बाद उसकी विडो को खोजा गया कि उसकी प्रॉपर्टी देने के लिए, तो ये समन जारी किया गया। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि डिसीज द फेथ एंड सो फोर्थ टू द शेरिफ फॉर द टाउन ऑफ कैलकटा एट फोर्ट विलियम इन बंगाल एंड द डिस्ट्रिक्ट देयर ऑफ ग्रीटिंग। वी डू रिक्वायर एंड कमांड यू टू डू प्रिम्प्टॉयल साइट और कॉज टू बी साइटेड नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ अलेक्जेंडर डिक्सन। सो एंड वेन शी हैज़ टू अपीयर, कब उसे जो है कोर्ट में पेश होना है वो भी लिखा है इसमें। और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ने इस पेपर को जो है साइन किया है, चीफ जस्टिस ऑफ कैलकटा ने। सो चीफ जस्टिस ऑफ कैलकटा थे सर हेनरी रसल, जिनका जन्म जो है 8 अगस्त 1751 में हुआ था, और रसल स्ट्रीट कैलकटा इन्हीं के नाम पे जो है वो हुई है, उसका नाम रखा गया है। ये इन्होंने साइन करे हुए हैं यहाँ पे। तो जो ये हेनरी रसल हैं, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे लॉ में उस टाइम पे, क्योंकि ये चीफ जस्टिस होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी हियरिंग दी थी इंडियंस के फेवर में, किसी एक ब्रिटिश सब्जेक्ट ने जो है किसी एक गरीब इंडियन की झोपड़ी में आग लगा दी थी, और इन्होंने पहली बार उसे जो है फांसी की सज़ा दी थी, मौत की सज़ा दी थी किसी अंग्रेज़ को। तो इस टाइप से उसके बाद जो है ये समन, अब आपने देखा कि ये समन दिया गया और उसके बाद ढूंढा गया, ये विडो कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद शेरिफ ने पीछे नोट लिखे हुए हैं, देखिए पीछे नोट क्या है कि आई डू हेयर बाय सर्टिफाई टू द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट आई हैव मेड सर्च आफ्टर द लॉफुल नेक्स्ट ऑफ द किन विद इन बंगाल that I have made search and but cannot find any within the provinces के नाम दिए हुए हैं or countries of Bengal, Bihar, Orissa or in province or district of Banaras or in any of the factories, districts and places which now are annexed and made subject to the presidency of Fort William in Bengal aforesaid dated this
27 डे ऑफ अक्टूबर 1813, तो ये शेरिफ ने साइन करे हुए हैं। तो इसका मतलब नटशेल में ये है कि ये समन किसी को जारी किया गया था, उसकी नेक्स्ट ऑफ किन जो है वो साइट नहीं हुई, तो शेरिफ ने जो है रिप्लाई दिया है कोर्ट में जाके उस डेट पे कि हमने हर जगह ढूंढा उसे और वो मिली नहीं। तो बाकी आपने देखा कि हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस क्या थी इस डॉक्यूमेंट की। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं है किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे पास हज़ारों ऐसे डॉक्यूमेंट्स और हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स और न्यूज़पेपर्स हैं जो कि मैं धीरे धीरे अपनी यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँगा। थैंक्स अ लॉट।